भारतीय भाषा अभियान के तहत रोहिणी न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में वकीलों की मौजूदगी रही। इस आयोजन का संयोजन अधिवक्ता मोनिका शर्मा और सह संयोजक अधिवक्ता कृष्ण कुमार शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरारी तिवारी, सदस्य जो कि पूर्व चेयरमैन दिल्ली विधि परिषद रहे, और संजीव उनियाल अतिरिक्त महाधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय उत्तराखंड भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। भारतीय भाषा अभियान के तहत इस आयोजन में वकीलों की भारी संख्या ने इस घड़ी में उत्कृष्टता का परिचय दिया। सभी उपस्थित वकीलों ने अपनी भाषा कौशल और विचारशीलता से जागरूकता फैलाने का काम किया। इस मौके पर अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह ने क्या कहा, आप भी सुने। नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा समारोह 2024 का आयोजन रोहिणी कोर्ट में किया गया और इसके अंदर मुरारी तिवारी जी और संजीव उनियाल जी और बहुत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, ये हमारे लिए विशेष तौर पर जो अधिवक्ता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा को आगे बढ़ाना, इसका पर्पज और केवल इसका हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि हर क्षेत्र की जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, विशेष तौर पर अगर हम देखते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के अंदर जो एक वादी है, जो एक प्रतिवादी है, उनका न्याय व्यवस्था में जो हो रहा है, उनके मुकदमे में क्या किया जा रहा है, उनके मुकदमे में न्यायाधीश क्या निर्णय ले रहा है, ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। अधिकांश आपने देखा जाता है विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली शहर के अंदर आप देखते हैं जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अंग्रेजी भाषा में होती है। हमारा जो उच्च न्यायालय है उसकी जो आधिकारिक भाषा है वो भी अंग्रेजी भाषा है। ऐसे में बहुत बार ऐसे प्रतिवादी वादी आते हैं जिनको उस केस में क्या हो रहा है, क्या आर्गुमेंट हो रही है, क्या बहस हो रही है, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, उनको पता नहीं चल पाता। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता भी हुए जो बहुत ही गुणी हैं, जो बहुत ही कानून में बहुत पारंगत है, लेकिन एक भाषा के बैरियर की वजह से, एक भाषा के रुकाव की वजह से, एक इंग्लिश भाषा को अच्छा ना जानने की वजह से वो भी अपने आप को उस कोर्ट के अंदर या उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो ये जरूरी है कि हम जो हमारी मातृभाषा है उस मातृभाषा को आगे बढ़ाएं। विशेष तौर पे दोस्तों, में इस आयोजन के अंदर जो मोनिका शर्मा जी हैं और जो के शर्मा जी हैं और बाकी जो उनकी टीम थी, जो रोहिणी से टीम रही, उनका विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया और उनकी कोशिशें जो हैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत कारगर साबित। इस कार्यक्रम की संयोजक अधिवक्ता मोनिका शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय समाज में अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पितता को बढ़ावा देना है और वकीलों को एकजुट होने का अवसर भी प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुरारी तिवारी ने संबोधित करते हुए बताया कि मातृभाषा का महत्व अत्यधिक है और इसे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए। इस कार्यक्रम की संयोजक अधिवक्ता मोनिका शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय समाज में अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पितता को बढ़ावा देना है और वकीलों को एकजुट होने का अवसर भी प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुरारी तिवारी ने संबोधित करते हुए बताया कि मातृभाषा का महत्व अत्यधिक है और इसे बच्चों को सिखाना भी चाहिए। समापन समारोह में संजीव उनियाल ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की बात की और यहाँ मौजूद सभी वकीलों को समर्थन के साथ सबको प्रेरित भी किया। इस अद्वितीय पहल के जरिए भारतीय भाषा अभियान ने एक महत्वपूर्ण कदम और बढ़ावा दिया है, जिसमें समाज में भाषा समर्पण और समृद्धि की ऊर्जा बढ़ी है। अगर आपको भी लगता है कि मातृभाषा की अहमियत कानूनी कार्यवाही में भी होनी चाहिए या वो बनी रहे, अपनी राय वीडियो के कमेंट्स में जाकर जरूर दें और इस राय में अपना समर्थन दर्ज करें। इस खबर में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।